शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं जो कक्षा छठी और सातवीं के बच्चों के लिए है। इसमें आपको राज्य शिक्षा केंद्र पे RSK पोर्टल पे आपको कक्षा छठवीं और सातवीं के बच्चों को कैसे ऐड करना है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वह आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको आप किसी भी ब्राउज़र पे चले आइए और क्या कीजिए, RSK टाइप कर लीजिए। क्या करेंगे आप, RSK टाइप कर लेंगे। जैसे आप RSK टाइप करेंगे और उसे क्या कर देंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने पे आपके पास स्क्रीन पे इस प्रकार से एक ऑप्शन पेज ओपन होकर आएगा जिसमें क्या लिखा रहेगा, राज्य शिक्षा केंद्र। ये राज्य शिक्षा केंद्र लिखा हुआ है तो ये दिख रहा है आपको राज्य शिक्षा केंद्र, आप इस पे जाके क्लिक कर दीजिए। दिखाइए, इस पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा रहेगा, क्या लिखा हुआ है देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र लॉगिन, यूज़र ID, पासवर्ड, और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट है तो प्राइवेट, मदरसा तो जो भी स्कूल से प्राइवेट स्कूल के हैं तो प्राइवेट स्कूल से होगा, गवर्नमेंट स्कूल का है तो गवर्नमेंट, तो इस प्रकार से इसे, और फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर आएगा। अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी क्या रहेगी, आपका जो यूनिक कोड है वो आपकी यूज़र आईडी रहेगी और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। लेकिन क्या होता है, यदि आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो आपको ये छोटा आता है तो ये आपकी राइट में यहाँ तीन बिंदी दिख रही है, इन तीन बिंदु पर जाके आप क्लिक कीजिए और इस प्रकार से एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। इस लिस्ट में जहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है, देखिए आप लिस्ट में डेस्कटॉप साइड लिखा है, इसको राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी आपकी लिख देंगे, जो आपकी यूज़र आईडी है और पासवर्ड, और गवर्नमेंट स्कूल से तो गवर्नमेंट कर लेंगे, और उसके बाद कैप्चर फिलअप करेंगे। क्या कर देंगे, कैप्चर फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पर कैप्चर हम फिलअप कर दे रहे हैं, 620916। ये कैप्चर फिलअप करने के बाद क्या करेंगे, हम कैप्चर फिलअप हो गया उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन हो रहा है पेज, अभी यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस हो गई। लॉगिन प्रोसेस होने के बाद आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपकी जिसकी लॉगिन से उसका नाम लिखा हुआ आएगा। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे, आपने इस पे इसके पहले भी कक्षा पाँचवीं और आठवीं के बच्चों के लिए ये कार्य किए थे। अब यहाँ पे आपको जो ये कार्य करना है, ये कक्षा छठवीं और सातवीं एग्ज़ाम के बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप करना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उन्हें ऐड कैसे करना है, उनको ट्रैक कैसे करना है, वह जानकारी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा होगा 6-7 एग्ज़ाम पे जाके आप क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे। चलिए हम 6-7 एग्ज़ाम पे जाके क्लिक किए तो इस प्रकार से आपके पास चार ऑप्शन ओपन होके आएंगे। ये चार ऑप्शन में क्या दिया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसके माध्यम से आप जो आपके स्कूल के या आपकी क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट हैं उनका क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। एड स्टूडेंट, इसके माध्यम से आप स्टूडेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये आपके लिए अभी न्यू ऑप्शन ओपन होके आए हैं, ये ऑप्शन न्यू है तो आप इससे थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे। और स्टूडेंट ट्रैकर भी, तो आप स्टूडेंट को ट्रैक कर लेंगे। और ये सभी काम करने से पहले स्टूडेंट डाटा साइनिंग विथ शिक्षा पोर्टल, आप क्या करेंगे, जो स्टूडेंट है उनके डाटा को साइनिंग कर लेंगे और रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि आपके स्कूल की रिपोर्ट फिलअप हुई या नहीं हुई। तो चलिए एक एक स्टेप वाइज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किए तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आया है, दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24। उसके बाद यहाँ दिया है आपका क्लास डिटेल, फिर लिखा है UTIS कोड, जो आपका स्कूल रहेगा उसका UTIS कोड यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट, जो भी क्लास है आपकी 6-7 उन्हें क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट पे जाते हैं तो ये क्लास 6, हमने किसको सेलेक्ट किया, क्लास 6 को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्लास 6 सेलेक्ट करने के बाद आप इसे क्या कर देंगे, शो करेंगे। देखिए ये शो करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर आएगी, ये लिस्ट दिख रही है तो इसमें देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसमें लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24। उसके बाद UTIS कोड दिया है, उसके बाद आपकी क्लास 6 है और जो स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे एक लिस्ट ओपन दिखेगी स्टूडेंट डिटेल में, आपको ये दिख रही है, ये स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे 100 पे आप 100 कर देंगे तो पूरे बच्चे दिख जाएंगे। इस एक्सेल के माध्यम से आप देख सकते हैं और CSV यानी इससे PDF बना सकते हैं आप। इसके बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं जो स्टूडेंट डिटेल में, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, जो सीरियल नंबर एक हो गया, स्टूडेंट ID दी है, क्लास दी है, एडमिट नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद दिया है आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एक्शन। और यह साइड में चलेंगे आप
रिमूव। तो देखिए यहाँ पे इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या स्टूडेंट आईडी से, जैसे हम इस पहले बच्चे की बात कर रहे हैं, चलिए पहले बच्चे को समझते हैं। ये बच्चे की आईडी हो गई और किस क्लास का बच्चा है, सिक्स क्लास का बच्चा है, और स्टूडेंट नेम जो बच्चा आपकी क्लास का है उस बच्चे का नाम आ गया। उसके बाद फादर्स नेम आ गया, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल और जो कैटेगरी वो आ गई। अब एक्शन यहाँ पे आपको कार्य करना है, एक्शन पे जाके कार्य करना है। यदि बच्चा आपके स्कूल का नहीं है तो आप रिमूव के माध्यम से उसे हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे अब हम पहले बच्चे को ओपन करके रख रहे हैं, जो हम राइट है एक्शन वाले पे जाएंगे और राइट पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा, दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया है स्टूडेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि इस पन्ने में हम स्टूडेंट का क्या करेंगे, वेरीफिकेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए यूडाइस कोड आ गया, समग्र आईडी आ गई बच्चे की, और स्कूल नेम आ गया। उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्लास, यहाँ पे आप प्रवेश पंजी क्रमांक जो रहेगी बच्चे की वह प्रवेश पंजी क्रमांक डाल देंगे। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखेंगे आप। प्रवेश पंजी क्रमांक के बाद ये आपका CWSN, यदि बच्चा CWSN है तो यस करोगे और नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यदि यस करते हैं तो आपको वहाँ पे उसकी CWSN की कैटेगरी बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद बच्चा मेल है फीमेल है, यदि मेल है तो मेल आएगा, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद कास्ट आ जाएगी उसकी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यदि फादर्स नेम लिखा नहीं है तो आपको यहाँ पे फादर्स नेम लिखना पड़ेगा, मदर्स का नाम नहीं लिखा है तो वह लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्या जाएगा, मोबाइल नंबर, और मीडियम में क्या आएगा, जो मीडियम हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, उर्दू है तो उर्दू, मराठी है तो मराठी। ये मीडियम हो गया। मीडियम करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे विषय चयन के लिए आएगा। विषय चयन में देखिए फर्स्ट लैंग्वेज, तो जैसे जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी तो हिंदी डालेंगे, यदि फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी तो अंग्रेजी डालेंगे, उर्दू है तो उर्दू, मराठी है तो मराठी, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वह डाल देंगे। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, और थर्ड लैंग्वेज भी आ जाएगी। जैसे ही आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए आपके टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गए। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई, सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी हो गई, थर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ पे संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती जो भी है वह, जैसे संस्कृत हमने संस्कृत सेलेक्ट कर दिए। फिर सब्जेक्ट में फर्स्ट में आ जाएगा, तो का सब्जेक्ट फर्स्ट क्या आ गया, गणित आ गया। सेकेंड सब्जेक्ट क्या हो गया, विज्ञान हो गया, और थर्ड सब्जेक्ट समाज विज्ञान। इस प्रकार पूरे सब्जेक्ट आपके ओपन होके आ जाएंगे। जब आप इतनी पूरी प्रोसेसिंग, पूरी जानकारी फिलअप कर दिए, ज़्यादा जानकारी फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही फिलअप है, लेकिन जो छूट चुकी है आप उसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फादर्स नेम, मोबाइल नंबर है, मदर्स नेम है, जैसे जो भी है उन्हें फिलअप करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे किस पे जाना है, ये वेरीफाई सबमिट वाली ऑप्शन पे, किस पे जाना है, ये वेरीफाई पे जाएंगे और इसे क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद वह बच्चा आपका वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रकार से पहले बच्चे किए, अब सेकंड बच्चे को करना है तो सेकंड बच्चे का ऑप्शन फिर ओपन करेंगे इस प्रकार से, और उसमें भी आप उस बच्चे की पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आप उसे वेरीफाई कर देंगे। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे की जानकारी को आप एक एक करके फिलअप करते जाएंगे और भर देंगे। इस प्रकार से ये आपकी कक्षा छठवीं के बच्चों को हो गए। अब कक्षा छठवीं, कक्षा सातवीं के बच्चों का करना है तो पुनः फिर आप 6-7 एग्ज़ाम 2023 पे जाएंगे, या वहाँ पे ना जाके आप यहाँ पे क्लास पे जाइए, क्लास 7 शो कर लीजिए। जैसे क्लास 7 शो किए तो आपको ये क्लास 7 के बच्चे ओपन हो जाएंगे। देखिए क्लास 7 के बच्चे ओपन हो गए। इसमें भी आप उसी प्रकार से जैसे आपने क्लास 6 में किए थे उसी प्रकार से आप क्लास 7 के बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद आपके जो अभी रेड लाइन में है तो बच्चे हरी इसमें दिखाई देने लगेंगे। ये तो हमने क्या किया अभी, ये इसके माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बताया। फिर सेकंड ऑप्शन आता था हमारा क्या है, ऐड स्टूडेंट। अब ऐड स्टूडेंट पे कैसे कार्य करेंगे ये बता रहे हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड स्टूडेंट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा जाएगा स्टूडेंट ऐड 2023-24, और जो स्कूल है उसका डैश कोड आ जाएगा, और उस बच्चे की यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, समग्र आईडी डालेंगे और शो करेंगे। समग्र आईडी और शो करने के बाद उसका पेज ओपन होकर आ जाएगा और उस बच्चे को आप इसके माध्यम से ऐड कर लेंगे। ये ऐड वाला हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड में आया स्टूडेंट ट्रैकर। आप स्टूडेंट ट्रैकर पर क्लिक कीजिए तो उसमें इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा रहेगा स्टूडेंट ट्रैकर। तो आप स्टूडेंट कहाँ पर उसे ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहा है, उसकी किसके माध्यम से, स्टूडेंट की जो समग्र आईडी है उस समग्र आईडी को यहाँ पे जैसे ही डालेंगे आप, जैसे हम एक आध बच्चे की समग्र आईडी लेके देखते हैं, चलो एक बच्चे की हम समग्र आईडी लेके चेक करके देखते हैं कि किस टाइप से,
चलिए हमने एक इस बच्चे की क्या ले लिया, श्रमिक आईडी ले लिया, यहाँ से कॉपी कर लिए। अब इसके बाद हम स्टूडेंट टेकर पर जा रहे हैं। स्टूडेंट टेकर पर श्रमिक आईडी हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए। जैसे ही हम यहाँ पर श्रमिक आईडी फिलअप करेंगे और उसे हम शो करके देखेंगे, शो किए, देखिए यहाँ पे इसे शो कर दीजिए। शो करने के बाद ये बच्चा कहाँ पे है उसकी जानकारी यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको ये बच्चे की क्या दिख गई, ये कहाँ पे किस स्कूल में पढ़ा है, उसकी पूरी जानकारियाँ फिलअप हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, पुनः फिर नेक्स्ट है आपका साइनिंग पहले ही कर देंगे, और रिपोर्ट भी आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट का है, फिर उसका ब्लॉक आ जाएगा, और क्लस्टर क्लस्टर यानी जो जन शिक्षा केंद्र है वो आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप इस जो राज्य शिक्षा केंद्र में आ रहा है इसके MP पोर्टल के माध्यम से बच्चों कक्षा 6वीं और 7वीं के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए। आप स्टेप बाय स्टेप इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो ये क्लास 6-7 एग्ज़ाम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐड कैसे करना बताएं वो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।